सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है जबरदस्ती इंजेक्शन और लॉकडाउन इसके खिलाफ़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही पूरा इंडिया में सिर्फ अवेकन इंडिया मूवमेंट है जो लॉकडाउन और टोचन और इसके खिलाफ़ बोल रहा है तो एआईएम तीन चार लोगों की ऑर्गेनाइज बेसिकली अवेकन इंडिया मूवमेंट तीन चार लोग ही चलाते हैं जो मेन है और तीन चार लोगों को अरेस्ट हो गया जो अवेकन इंडिया मूवमेंट चलाते हैं तो आंदोलन डायरेक्ट खत्म ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इट हैज़ ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैला रही है कर रही है जो कुछ कर कर सकते हैं लेकिन उससे मतलब काफ़ी काम किया है वो लोग ने लेकिन ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है क्योंकि जो एजेंडा है उसको अपन स्टॉप नहीं कर पा रहे वो आगे बढ़ते जा रहा है इसके लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लगेगी और फंडिंग भी लगेगी एक्चुअली लफड़ा ही लगेगा तो कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ़ बोलनी नहीं रही है तो इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी ये हम लोग का डिस्कशन हुआ था एक साल पहले लेकिन कोई आगे नहीं आया बनाने के लिए तो वो डिस्कस हुआ बाप पार्टी बनाते हैं करके लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है क्योंकि काम है लफड़ा है और तकलीफ़ है तो अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं ही बना दू, तो बना सकते हैं बट एक्चुअली थोड़ा रिस्क भी हो जाता है क्योंकि एक टारगेट दिख जाता है वो लोग को कि कौन लड़ रहा है उनके खिलाफ़ कौन लड़ रहा है लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी करेंसी और फंडिंग इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ये लोग बोल रहे थे वैसा कुछ करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी देखो मैं मुंबई से कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के देता है सारा प्रोसेस वो कर देगा मैं फाउंडर बन जाऊंगा, ये क्या रहता है वो और बाद में इलेक्शन से प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फंडिंग भी रहेगी लेकिन इनिशियल स्टेज में ज़्यादा ओपनली लड़ नहीं सकते क्योंकि जो टॉप लेवल के लीडर्स है वो लोग को अरेस्ट हो गया तो उधर ही खत्म हो जाता है अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट लड़ रहा है लेकिन अवेकन इंडिया मूवमेंट का आंदोलन ऐसे ख़त्म होगा जब तीन चार जो मेन लोग हैं वो लोग को अरेस्ट करेगा ये मूवमेंट खत्म क्योंकि जो आम लोग हैं दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। और आम लोग न, नहीं लड़ पाएंगे दे नीड लीडर्स तो उधर ही खत्म हो जाता है तीन चार जो मेन लोग हैं वो लोग को अरेस्ट करेगा तो।, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है लेकिन इनके खिलाफ लड़ने का वो भी एक खतरा है तो अनलेस वी आर पावरफुल इनफ अपन डायरेक्ट उनसे लड़ नहीं सकते इनिशियल स्टेज में फंडिंग कलेक्ट करके एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और थोड़ा बहुत कनेक्शंस क्योंकि इनके खिलाफ़ लड़ेगा तो थोड़ा लफड़ा तो होगा ही वो एक रिस्क है लेकिन लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि नहीं तो इनका एजेंडा आसानी से इम्पोज़ हो जाएगा